सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे मनोज सिन्हा ने कहा है कि संजय वोट करेगा सीएम के नाम पर फैसला, वो किसी रेस में शामिल नहीं है। लगातार वो यही कहते आ रहे हैं, अनावश्यक रूप से मेरा नाम लिया गया है। हालांकि इससे पहले मैंने देखा कि किस तरह से उन्होंने कई मंदिरों में जाकर मत्था टेका, वहां पर पूजा अर्चना की, लेकिन संजय बोर्ड की मोहर सीएम के नाम पर लगेगी तब जाकर सीएम का नाम सामने आएगा। अनावश्यक रूप से मेरा नाम लिया गया, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड उसी फैसला करेगा। न मेरा कोई दावा है, न मैं इस रेस में हूँ। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष की माता जी का निधन हुआ था, मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। मैं वाराणसी आया, सुबह संकट मोचन भगवान का दर्शन करके और अध्यक्ष जी के यहाँ हूँ। ये अनावश्यक रूप से कुछ लोग जो ये खबर चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक के बाद संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, उचित फैसला करेगा। और अनावश्यक रूप से इस तरह से मैं समझता हूँ कि कोई प्रचार दिया जाए। यहाँ पर आपको गार्ड ऑफ ऑनर भी देने की कोशिश की गई, आपने मना कर दिया, आपने स्वीकार नहीं किया उसको, तो क्या ये माना जाए? नहीं, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है जब तक कि बैठक नहीं हो जाती है और संसदीय बोर्ड कोई फैसला। तो मनोज सिन्हा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वाराणसी आने का उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, इसी वजह से वो मंदिर जा रहे हैं और वहां पर दर्शन कर रहे हैं। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।